Hello everyone, a very warm welcome to all of you at Unacademy SSC Plus. This is Yashika Tandon presenting you a very important video जिसमें हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस के ऊपर. यस गाइस, ये किरण पब्लिकेशन की पूरी समरी है जिसमें हम सबसे पहला सेक्शन जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं. तो इसमें मैं आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि आपके इस पब्लिकेशन की बुक में दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, वो कम्प्लीट करने वाली हूँ. ये फुल समरी होगी, एक एक क्वेश्चंस को मेरे द्वारा सॉल्व किया जाएगा, तो आप आराम से इन सेशंस को जो है ले सकते हैं. और एक बात और कि इस सेशंस को लेते लेते आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ साथ आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा, आपका थोड़ा जो है रिवीजन भी होगा, आपको पता भी चलेगा कि एसएससी के कैसे क्वेश्चन आते हैं. अगर आप वन डे एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है. ओके, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन ये कहता है कि व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह. जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया था तो इनमें से कौन थे जिनको जो है आपकी लीडरशिप जो है साल्ट सत्याग्रह की जो है थमा दी गई थी. तो ऑप्शन देखिए, विनोद भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास त्याब जी, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. देखो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आपका है अब्बास त्याब जी. अब ये थे कौन, आपको याद रखना है, ये बेसिकली आपके एक फ्रीडम फाइटर हैं. ठीक है, फ्रीडम फाइटर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से. इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है जो इनको दिया गया है, वो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात. ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात. तो जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, ठीक है, तो आपका 1930 के वक्त हुआ था ये. और सॉल्ट सत्याग्रह में जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया, तो अब्बास त्याब जी ने जो है सॉल्ट सत्याग्रह की लीडरशिप जो है वो संभाली थी. इसी तरीके से ये सेकेंड ऑप्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर बात करें, देखो गाइस, जो सरदार वल्लभ भाई यानी कि सरदार का जो टाइटल है वो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था. तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है, इन विच सेशंस ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस. कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था. ये जो पूर्ण स्वराज है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि हम ये चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों से पूरी तरह आज़ाद हो जाएं, तो हमने 26 जनवरी 1930 को लाहौर के सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो की. अगर आप ध्यान से देखो तो 26 जनवरी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में भी इफेक्ट में आया था. तो इसी डेट के कारण इस डेट को चूज़ किया गया था, क्योंकि ये कांग्रेस ने इसी डेट में पूर्ण स्वराज की मांग की. राइट, तो ये लाहौर का सेशन था, और इसी डेट में अगर देखें 26 जनवरी 1950 हमारा जो है आपका लाइक कॉन्स्टिट्यूशन भी इफेक्ट में आया. सो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट बैचेस के बारे में जान लेते हैं. गाइज, ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैच जो है अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2020-21 एग्ज़ाम्स के लिए. ये बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस बैच होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बोथ के लिए एग्ज़ाम. आप अगर मीडियम है आपका, आप दोनों मीडियम में ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो ले सकते हैं. 1 फरवरी 2021 से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है. इसी के साथ साथ हमारा एसएससी सीजीएल 2021 के लिए एग्ज़ाम के लिए भी हमारा जो है दूसरा बैच आपका आया है, जो कि 1 फरवरी से है.
साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच जिसमें मैं भी आपकी हूँ, सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच, ये भी आपका स्टार्ट हो रहा है। ये भी अगेन 1st of February से है। आप अगर देखोगे ये तीनों के तीनों बैचेस के साथ और भी कॉम्प्लीमेंट्री बैचेस जो हैं हमारे चल रहे हैं, जैसे मास्टर स्ट्रोक बैच, फाउंडेशन बैच, कंप्लीट एडवांस अर्थमेटिक बैच जो कि आपके अभिनय सर के द्वारा है, और साथ ही साथ हमारा टारगेट जीडी बैच भी चल रहा है। अब इन बैचेस को लेने के लिए आपको जो है एनरोल करवाना होगा अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस में आप सभी एजुकेटर्स की क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे डिस्काउंट प्राइसेस जो हैं वो अब इंक्रीज़ हो चुके हैं, यानी कि पहले जो थी हमारी 6,000 रुपये फ़ीस होती थी एक साल की, अब 6,500 रुपया हो चुकी है। बट इसमें से भी आपको लेस मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं यशिका वाई टी। आप यूज़ करिएगा, आपको 10% इसमें डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये सारे बैचेस में इनरोल करवाना है तो आपको ये कोड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? तो ये डिस्काउंट कॉम्बो भी हमारा चल रहा है 2021 का, जिसमें आप एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों की सब्सक्रिप्शन एक साथ ले सकते हो। यहाँ पर भी आपको लेने के लिए एक कोड को इस्तेमाल करना है, YashikaYT, राइट? तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और बात, ये चलो हो गई। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, जैसे कि ये आपका पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेशन हुआ, वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, ये फॉर्म्ड कब हुई गाइज? 1885 को ये फॉर्म्ड हुई। इनके जो पहले अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट जिनको हम बोलते हैं, वोमेश चंद्र चाटर्जी थे। और ये जो पहला सेशन था बचा हुआ था बॉम्बे में, कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। 72 डेलीगेट्स ने पार्ट लिया था। पहले पुणे में होना जा रहा था, बट बाद में कुछ कारण जो है आपका वहाँ पे प्लेग आ गया, तो फिर बॉम्बे में ये सेशन जो है वो हुआ। उसी तरीके से 1917 के वक्त एनी बेसेंट पहली महिला बनी आपकी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है अध्यक्ष, जिन्होंने संभाला, पहली महिला। अब एक और चीज़ इसमें आती है, यही लाहौर के सेशन में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई, वो आपकी ये हुई कि लाहौर के सेशन में आपका जो नेशनल फ्लैग है, यानी कि ट्राई कलर का जो फ्लैग है, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है होस्ट किया गया रावी रिवर के पास। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत सारी बातें हमने कर ली। आगे बात करते हैं, हु वॉज द लीडर ऑफ द बरदोली सत्याग्रह? इनमें से कौन है जो लीडर हैं आपके बरदोली सत्याग्रह के? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आचार्य जेबी किलपानी। तो बरदोली सत्याग्रह जो था ये 1928 में हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बरदोली है कहाँ पर? गुजरात में है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह के बोला, राइट? तो सरदार किसको बोला जाता है? लीडर को बोला जाता है। तो यहाँ पर टैक्स रेट बढ़ा दिए गए थे, इसी के अगेंस्ट ये सत्याग्रह हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल विल बी द राइट आंसर, जहाँ पर वो लेडीज़ और महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही उम्दा लीडरशिप जो है इस पर्टिकुलर जो है सत्याग्रह की। अगला क्वेश्चन देखिए, गो बैक टू द वेदास, दिस कॉल गिवन बाय, वेदास पर वापस जाएं, ये किसके द्वारा दिया गया था? रामकृष्ण परमहंसा, विवेकानंदा, ज्योतिबाई फुले, दयानंद सरस्वती। गो बैक टू द वेदास का मतलब क्या है? ये बेसिकली वेदास क्या है, एक वैदिक सिविलाइजेशन है जिसमें हिंदू रिलीजन के बारे में आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऋग्वेदा एक ओल्डेस्ट वेद है जो आपको इस वैदिक सोसाइटी के बारे में बताता है। तो गो बैक टू द वेदास, ये डायलॉग जो है आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है वो दिया गया था। और इन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि ये चाहते थे कि जो हिंदूज़ हैं वो अपना जो है सोसाइटिकल और जो है आपका जो हिंदुइज़म है, अगर आप देखना तो यहाँ पर आप देखो, और यही में बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपके इसमें आ जाते। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो भी इनके द्वारा की गई थी, आर्य समाज के संस्थापना, राइट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगेन।
अगला क्वेश्चन कहता है नाखोली जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड था, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, त्रिपुरा में या बिहार में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नाखोली एक डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको मैं बताना चाहूँगी, साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर है ये? बांग्लादेश में है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चा? क्योंकि ये एक्चुअली ना यहाँ पर जो है नाखोली में महात्मा गांधी जी भी जो है रहे थे, और उन्होंने 4 मंथ्स तक रहे थे यहाँ पर। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पीस रिस्टोर करने के लिए काम किया था, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ वगैरह चलती रहती थी, तो इसीलिए पूछा गया। राइट आंसर विल बी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन करते हैं, महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग द सत्याग्रह इन द ईयर। महात्मा गांधी जो हैं यहाँ पर आपको बताना है कि किस कब अरेस्ट हुए थे। देखो गांधी जी जो हैं ये साउथ अफ्रीका गए थे 1893 के करीब। ओके, तो वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वो ये चीज़ देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है वो हिंदुओं के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी। तो इसके कारण क्या होता है, जो महात्मा गांधी जी हैं वो जो है उनको वहाँ से छुड़ाना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते, ऐसा कि जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है जैसा बिहेव कर रही थी। तो इसके लिए वो बहुत ही जो है पिटीशन साइन करवाते हैं, बहुत सारा चीज़ें होती हैं। बट होता क्या है कि 1906 के करीब एक आपका ट्रांसवर्सल गवर्नमेंट जो है आपकी आती है, और वो एक नया एक्ट लाती है, रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है ये अगेन इंडियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट बहुत ही बड़ा एक्ट होता है। तो 1907 के करीब, जून 1907 के करीब ग्रेट प्रोटेस्ट होता है, सत्याग्रह होता है, और ये ब्लैक एक्ट के दौरान जो ब्लैक पीपल होते हैं ना जिनका रंग थोड़ा सांवला होता है, ब्लैक पीपल, उनके अगेंस्ट ये एक्ट था। तो 1907 के वक्त जून में ये आपका सत्याग्रह होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको जो है 1908 में क्या होता है कि महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, और यहीं पर गोपाल कृष्ण गोखले उनको बाद में जाकर जो है छुड़वाते हैं। तो पहली बार महात्मा गांधी जी 1908 के वक्त सत्याग्रह में आपके जो है अरेस्ट हुए थे। 1917 भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इस वक्त महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली यहाँ पर इंडिगो की खेती हो रही थी, नील की खेती। तो महात्मा गांधी जी ने किसानों के लिए वहाँ पर यह सत्याग्रह किया था। ओके, सो 1906 में वो एक्ट जो है आपका आता है, 1907 में वो आपके सत्याग्रह करते हैं, और 1908 में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और इंडिया में वो कब वापस आते हैं? 1915 में। ठीक है, सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया ऑन 15 अगस्त बाय। तो क्या बेसिस था, क्योंकि यहाँ पर एनिवर्सरी थी सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी की बिफोर द एडवायरल माउंट बेटन। तो दैट्स वाई जो है आपका जो है पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी गई थी इंडिया की तरफ। सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? क्लाइव के द्वारा, हास्टिंग्स के द्वारा, वेल्सली के द्वारा या कॉर्नवालिस के द्वारा। देखो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो है इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसा सेटलमेंट सिस्टम था जो कि बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। आइए इसको समझते हैं कि ये सिस्टम था क्या। होता क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपकी रेवेन्यू लेती थी किन से, यानी कि आपके पीजेंट से। अब पीजेंट से रेवेन्यू लेने के लिए उन्होंने एक मिडल मैन जो है इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था ज़मींदार। जो अमीर लोग होते हैं ना विलेज के, वो तो ये ज़मींदार क्या करते थे, आपके पीजेंट से टैक्स लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, बट ज़्यादा सा परसेंटेज जो है ज़मींदार खा जाता था। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम लाया गया, जिसमें ज़मींदार को एक पूरी अच्छी सी पे देने लग गए, और बोला गया कि आपको इतना अमाउंट जो है इतने दिन तक देना है, अगर आपने नहीं दिया तो आपकी पोस्ट को खारिज कर दिया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा एक परमानेंट रेवेन्यू जो है वो मिलने लग गया, और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये क्वेश्चन आता है, इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। कब हुआ बच्चा, मैं फिर बोल देती हूँ, 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 1793 में।
ओके नेक्स्ट द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक इनमें से कौन है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर अगर एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, इनका नाम है केशव गंगाधर तिलक ऑल्सो। ये नेशनलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, टीचर भी रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर भी थे, ये लॉयर भी हैं, ठीक है, लॉयर भी थे, सॉरी इंडिपेंडेंस फाइटर भी थे, और पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मतलब क्या होता है, गरम दल से ये बिलोंग करते थे, मतलब इन्होंने बहुत ही जोश से लड़ाई की है। इनको फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है, इनके द्वारा केसरी न्यूज़पेपर भी लिखा हुआ है, शिवाजी फेस्टिवल भी इनके द्वारा चलाया गया था, ये देशभक्ति की भावना जो है वो जगाना चाहते थे। तो बाल गंगाधर तिलक विल बी द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, गांधी जी के किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से आर्थिक विषमताओं को पतन करने का प्रयास किया गया? बेसिकली गांधी जी चाहते थे कि जो इकोनॉमिकली हम देखते हैं ना कि पुअर और रिच पीपल के बीच में जो गैप है उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो थी गांधी जी की ट्रस्टशिप की थ्योरी, जिसमें वो ये बिलीव करते थे, सोशल इकोनॉमिकल फिलॉसफी थी ये, जिसमें महात्मा गांधी जी ये बिलीव करते थे कि अगर वेल्दी पीपल चाहें तो यहाँ पर वो हेल्प कर सकते हैं पुअर की, और वेल्दी पीपल ही सुधार ला सकते हैं। तो ये ट्रस्टशिप थ्योरी थी जिसमें वेल्दी पीपल के ऊपर महात्मा गांधी जी बिलीव करते थे।